सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, जैसा कि वन प्लस ने लास्ट मंथ अपने 8 सीरीज के अंदर फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन को लॉन्च किया था और उम्मीद किया जा रहा था कि हमें इसी लॉन्च इवेंट में वन प्लस के तरफ से एक मिड एज स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा, जो कि वन प्लस 8 लाइट के नाम से लॉन्च किया जाता या फिर आपको वन प्लस जेड के नाम से देखने को मिल जाता। बट ये डिवाइस हमें अभी तक इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिला है और इस डिवाइस को लेकर आपको काफी सारे इमेज और वीडियो टीज किए जा रहे हैं। बट फाइनली गाइज, हमें वन प्लस के CEO पीट लाव की तरफ से एक न्यूज निकल के आ रहा है कि हमें ये डिवाइस जुलाई के महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। वैसे ये डिवाइस हमें जुलाई के महीने में किस डेट में लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में कोई कंफर्म लीक्स देखने को नहीं मिला है, बट इतना तो कंफर्म हो चुका है कि हमें जुलाई के महीने में डेफिनेटली ये डिवाइस लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस को OnePlus इसलिए लॉन्च करना चाहता है क्योंकि मिडेज के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेची जाती है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है OnePlus भी मिडेज के अंदर अपने मार्केट वैल्यू को और बढ़ाना चाहता है। साथ ही यहाँ पे OnePlus फैन इस डिवाइस को बाय करने के लिए काफी दिनों से वेट कर रहे हैं क्योंकि इस डिवाइस का प्राइसिंग आपको काफी कम देखने को मिलेगा। वहीं कुछ लीक्स कर रहे थे कि इसका प्राइसिंग आपको करीब 30,000 के अबव देखने को मिल सकता है, बट लेटेस्ट लीक्स की माने तो इसका प्राइसिंग आपको 20,000 से 25,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर गाइस ये डिवाइस हमें 20,000 से 25,000 के अंदर देखने को मिला तो रियली ये डिवाइस काफी क्लियर स्मार्टफोन होगा। और गाइस, जैसा कि माना जा रहा था कि OnePlus अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में MediaTek का चिपसेट यूज करेगा, बट लेटेस्ट लीक्स की माने तो आपको यहाँ पे Snapdragon का 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि डुअल 5G मोड को सपोर्ट करता है। और साथ ही ये चिपसेट मिडेज के अंदर काफी पावरफुल चिपसेट है, यानी कि यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे OnePlus Z के कंप्लीट फीचर्स, प्राइसिंग के बारे में और क्या कुछ हमें इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो जानने के लिए आप काफी एक्साइटेड हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस एक AMOLED पैनल दिया जाएगा, साथ में आपको टॉप में सिंगल पंच होल भी देखने को मिल जाएगा और आपको 90 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलेगा। पिक्सल डेंसिटी आपको 403 PPI देखने को मिल जाता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको करीब 90% तक कम देखने को मिलेगा और आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं बल्कि यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। इसके बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करें तो आपको OnePlus 8 सीरीज के तरह ही ग्लास पैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि 3D ग्लोसी लुक के साथ आएगा और आपको रियर और फ्रंट दोनों तरफ कुंडिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यूज किया जाएगा। तो गाइस, अब बात करें इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी लेंस आपको 48 मेगापिक्सल का यूज किया जाएगा। इसके अलावा आपको 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो या फिर एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही आपको फ्रंट में सिंगल पंच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको कैमरा की क्वालिटी काफी बेटर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, जब बात करें इसके मल्टीटास्किंग गेमिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity का 1000 का चिपसेट देखने को मिल सकता है, बट अब जो लीक्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको Snapdragon का 765G का ही चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 nanometer की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.4 GHz देखने को मिल जाएगा। और गेमिंग के लिए आपको Adreno 620 का GPU देखने को मिल जाएगा। स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये डिवाइस आपको डुअल ऑप्शन के साथ देखने को मिल सकता है, जो कि 8GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 256GB। तो गाइस, अब बात करें इसके बैटरी के बारे में, यहाँ पे आपको 4000mAh का बैटरी देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर 4500mAh का बैटरी देखने को मिलता तो काफी अच्छा रहता, बट इस कमी को पूरा करने के लिए आपको 30W का सुपर वार्प चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने डिवाइस को काफी जल्द चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस के लिए आपको यहाँ पे एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि OnePlus के ऑक्सीजन OS पर बेस्ड होगा, जो कि काफी क्लीन और स्टॉक एंड्रॉइड की तरह ही आपको देखने को मिलता है। और गाइस, ये डिवाइस हमें वाटर और डस्ट प्रूफ भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको IP68 का रेटिंग देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका प्राइसिंग आपको काफी कम देखने को मिलता है, तो इसके अंदर आपको IP68 का रेटिंग देना काफी मुश्किल है। तो गाइस, लास्ट में बात कर लें इसके लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो ये डिवाइस हमें जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक देखने को मिल सकता है। और वहीं बात कर लें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो इसका प्राइसिंग आपको 20 से 25 हज़ार के अंदर ही देखने को मिलेगा।